बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ थाई मिर्चों के साथ चिकन का कीमा। मैंने लिया है 1.5 पाउंड चिकन का कीमा। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लहसुन अदरक को मैंने क्रश करके रख लिया था। पिसी लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून। और मेरे पास है वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून। सबसे पहले एक पतीली ले लेंगे हम। इसमें डालेंगे तेल। मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। और इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक। फ्रेश लहसुन अदरक से बनाएंगे इसको हम, तो बहुत ही मज़े का बनता है कीमा। इस कीमे की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई प्याज नहीं डलती, तो बहुत ही आसान कीमे की रेसिपी है और चटपटा कीमा बनता है ये। मैंने लिए थाई मिर्चें, 6 से 7 आप मिर्चें ले लें। इनको साबुत ही ऐसे डाल देना है, कीमे के साथ ही पकते में पक जाएंगी। इंग्रेडिएंट्स आप रेसिपी कार्ड में देख सकते हैं। जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा लहसुन अदरक, तब उस पर हम डालेंगे कीमे को। झटपट कीमा है, बहुत जल्दी और बहुत इजीली बनता है। इसके अंदर हमें सब चीज़ें एक साथ डालते जाना है और इसको पकने के लिए रख देना है। अब इसमें जाएंगे सब मसाले। मैंने इसमें डाला है टोमेटो प्यूरी 1/2 कप और 1/2 कप पानी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो 2 टमाटरों को पीस के डाल दें। मिक्स करके हम ढककर लो फ्लेम पर रख देंगे 20 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसे हमने देखा है। अब इसमें कीमे की जो गुठलियाँ हो जाती हैं उसको हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे और बाकी 10 मिनट्स से फिर से ढक के पकने के लिए रखेंगे। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून या टेबलस्पून आप ले लें लीमू का रस। आपके टेस्ट पे आपको कितना खट्टा पसंद है। इसको अच्छी तरह भून लेना है कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, खुश कर लेना है कीमे को। इस टाइम पे कीमा खुश हो गया है और इसको हम अब डिश आउट करेंगे। मैंने इसके साथ 2 नानों को गर्म करने रखा है। इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का कीमा बनता है ये और बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद आता है। बनाकर ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। उससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने में मिलेंगी। थैंक यू।